हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घृत कुमारी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। घृत कुमारी अपने न्यूट्रिएंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कई समस्या को दूर करता है और हमारे जो बालों की हेल्थ है उसे भी इम्प्रूव करता है। इंसान की सुंदरता अपने बालों पे भी डिपेंड करता है और सुंदरता को और इन्हांस करने के लिए बालों का हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान का बाल लंबे, घने और बहुत हेल्दी होता है तो पूरा चार चांद लगा देता है उस इंसान के लुक में और लुक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लंबे, काले, घने और सिल्की सॉफ्ट बाल पाने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारे बाल मजबूत और हेल्दी हैं। अगर आपके बाल हेल्दी या फिर मजबूत नहीं हैं तो वो लंबे या घने नहीं हो सकते। बालों का जो झड़ना है उन्हें कम करने के लिए घृत कुमारी का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट उन्हें लंबे करने में, उन्हें सॉफ्ट एंड सिल्की बनाने के लिए भी घृत कुमारी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका डाइट उल्टा पुल्टा होता है, अगर गलत खाना पीना होता है तो आपके बालों की हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे बाल लंबे भी नहीं होंगे और उससे अनहेल्दी हो जाते हैं। ऊपर से गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की वजह से भी बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आजकल हर किसी फेस करते हैं। हर किसी का यही प्रॉब्लम है। घृत कुमारी ऐसे ही प्रॉब्लम्स में मदद करता है। बाज़ार में मौजूद जो प्रोडक्ट्स होते हैं हेयर प्रोडक्ट्स, उनकी तरह घृत कुमारी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो बालों की एक नेचुरल रेमेडी की तरह काम करता है। तो आइए देख लेते हैं कि घृत कुमारी के और क्या क्या फ़ायदे हैं, जान लेते हैं उनके और भी सारे फ़ायदे। डैंड्रफ के कारण स्कैल्प में जो इचीनेस होती है उससे राहत देता है घृत कुमारी। कई रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि घृत कुमारी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को मिटाने में हेल्प करता है। घृत कुमारी में विटामिन ए, सी और विटामिन ई कई मात्राओं में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड और विटामिन B12 बालों का गिरना कम करता है और बालों को हेल्दी बनाता है और काफ़ी सॉफ्ट भी बनाता है और जल्दी लंबे भी करता है। घृत कुमारी ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। जब आप स्कैल्प पर घृत कुमारी को लगाते हैं तो उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, जिससे घने और लंबे बाल होते हैं और बाल काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। घृत कुमारी गंजापन को दूर करने के साथ साथ नए बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है, और जिससे कि गंजापन तो दूर होता ही है और बाल काफ़ी घने हो जाते हैं। मॉड वेलनेस का घृत कुमारी शैम्पू इन सारे गुणों से भरपूर है, जो आपके बालों को सिर्फ सिल्की और सॉफ्ट ही नहीं पर बालों को हेल्दी बनाता है, लंबे और घने बनाता है। तो आप सोच रहे हैं कि इसे आप किस तरह से परचेज करें, किस तरह से इस्तेमाल करें। सिंपली आपको अपने बालों पर इस शैम्पू को अप्लाई करना है। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, इजी तरीके से ये लैदर अप हो जाता है और आपके स्कैल्प को क्लीन भी करता है बहुत ईजीली। आप इसे हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से अपने बालों पर अप्लाई कीजिए, स्कैल्प पर अप्लाई कीजिए और अपने टिप्स पर भी अप्लाई कीजिए और फिर पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि इस शैम्पू को इस्तेमाल करने से ही आपके बाल इतने सॉफ्ट होते हैं और इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से बाल घने और लंबे भी हो जाते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा मॉड वेलनेस का ये जो शैम्पू है, घृत कुमारी शैम्पू। इसमें भरपूर मात्रा में घृत कुमारी होने की वजह से इसके जो भी गुण है, जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, सब आपको मिलेगा, आपके हेयर को मिलेगा, हेल्थ को इंप्रूव करता है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। आज का वीडियो यहां तक ही था। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय।